ऑल, आई होप आप सारे के सारे खुश तंदुरुस्त तरफ से नजर एंजॉय कर रहे हो। तो अभी टाइम है 7 बजे और सांकेत बाली संकरण बारिश हो रहे हैं। मैंने बात करी थी ऑलरेडी सुबह जल्दी निकले के बैठ आई थी नॉट अग्री विद मी, सो आई एम मूविंग अहेड। पहले जिसपा जाना है, जिसपा से अपना सामान पिक करना है और आगे निकल जाऊँगा मैं, और आज का स्टे बैंक होगा या उसके आगे मर्सी, तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। जिसपा मैं पहुंच गया था पूरा घंटा पहले, ब्रेकफास्ट किया, सामान अपना उठाया, माउंट किया, सारे ड्यूज पे करके मैं आगे निकल रहा हूँ। प्लान मेरा ये है कि इवन बैंक को क्रॉस कर जाऊँ और रूम से जाके रुकूँ, बट अभी भैया से बात हो रही थी जो ये होटल में है कि खैर अगर आप रूम से आगे जाते हैं तो देर आर मोर बेटर टाउन विलेजेस वे यू कैन यू नो हैव अ गुड स्टे, तो वहाँ भी यहाँ पे एक वो भी ऑप्शन है। सो दैट्स व्हाट आई एम गोना डू। ओके निकल पड़ा हूँ। सो प्लान ये है कि पैंग से आगे जाके रुकूँ कहीं पर ताकि मैं कल टाइम से ले पहुँच जाऊँ, क्योंकि जितना खींच के रखूँगा उतना ही टाइम से ले पहुँचूँगा कल। कल मंडे है और आई हैव टू स्टार्ट वर्क एज वेल बिकॉज कुछ कमिटमेंट थी क्लाइंट के साथ। सो कमिटमेंट के साथ छेड़छाड़ मुझे अच्छा नहीं लगता। ब्यूटीफुल वेदर है, सनी हो गया, अब खा पी के पेट भर के अब हम आगे की तरफ निकल पड़े हैं हमारी मंजिल की ओर। मंजिल की ओर हम हैं अग्रसर। हिंदी मेरी अच्छी है भाई, गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ाई हुई है। ठंड और बढ़ जाएगी, हवा ठंडी चल रही है, बिल्कुल चिल्ड वाटर। नीचे कोई छोटी सी लेक है, लोग बोटिंग वगैरह के जा रहे हैं। वाह वाह जी वाह वाह, वादियाँ। और सैल्यूट टू वी आर ओवरसीज, आपको मैं रह के ऐसी मस्त सड़कें बना रहे हैं, हैट्स ऑफ। अदरवाइज तो ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ दिन में ही होता था, बिकॉज ऑफ अ BRO ऐसी मस्त ऐसी सेक्सी सड़कें बना रखी हैं कि बंदा आप कभी भी निकल सकता है। लो जी बारालाचा आ गया, बारालाचा यही है लेक बारालाचा की, 2010 में आया था और आज आया हूँ। सूख गया, पहले जब हम आए थे पूरी की पूरी बर्फ से ढका होता था। जी टॉप आ गया, ओए होए 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 होए, सोना सोना बारालाचा। हीटिंग क्रीप्स ऑन कर ली भाई साहब, मैंने तो कतई ठंडी ठंडी लग रही है। सो बारालाचा एल्टीट्यूड 4850, बारालाचा पास एटीट्यूड। तक आई कैन सी द स्ट्रेट रोड, जूम जूम उड़ती जा रही है भाई, उड़ती हुई। लाहौल स्पीति से लद्दाख में एंट्री हो गई है। सो दो जगह पुलिस की चेक पोस्ट पे एंट्री हुई, एक बार तो स्पीति से एग्जिट करते हुए, दूसरी बार लद्दाख में, लद्दाख की टेरिटरी में एंट्री करते हुए। पांग यहाँ से 88 किलोमीटर है, सो मेरे ख्याल से और 2 घंटे कम भी लग सकते हैं, बट अब रुकना नहीं। अब बीच में मैं 2 जगह रुक गया था, अब बस टॉप ऑन टॉप चलूँगा। व्यू बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है।
ऐसे लग रहा है जैसे नवाडा में नहीं आप गाड़ी चला रहे हो लास वेगास जा रहे हो, ऐसा ही डेजर्ट है वहाँ जाते हुए। सो देयर आर दी स्कूटर वाले जा रहे हैं। सो ये लूप्स आपको नज़र आ रहे हैं, यू 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 चढ़ता हुए आ रहे हैं, बहुत ख़तरनाक है कहीं कहीं तो, और बड़ा ध्यान से आना। कुछ एक टर्न पे ओके, सो कुछ एक टर्न पे ऑफ रोड है तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। हॉली फक, प्लास्टिक फेंक रखे हैं यहाँ पे, ओह माय गॉड कितना गंदा कर करके। प्लीज़ यार प्लास्टिक की बोतलें मत फेंका करो। आई गेस ये डंप है यहाँ सारा प्लास्टिक का, हवा यूँ आ रही है यूँ ऊपर से उठती हुई, सो पूरी पूरी बाइक यूँ मिल जाती है। I just met a guy from Kerala. He's walking from Kerala towards the Leh, and it's been 180 days. That's guy you see it in that hat. That's the guy. So he came to me take a picture. I said salute to you, man. I want to take a picture with you. Hats off to this guy. सो अब मैं पान के लिए निकलता हूँ, वाटर ब्रेक लिया था, लूप ब्रेक लिया, अब निकलता हूँ आगे के लिए। तो एक रास्ता मुझे वो भी दिखा रहा है, बट आई डोंट नो इस लगे के साथ तो नहीं करूँगा मैं, वो बोट पंगे नहीं लेने, लंबा चले जाओ ज़्यादा बेटर है rather than taking a shortcut। एक बार गिर गई उठाएगा कौन। हवा बहुत तेज है यहाँ पर, बिल्कुल सीधा इस रोड के भी यहीं पर बिल्कुल इस रोड पे मिला देता है नीचे जहाँ से मैंने यू नो वाटर ब्रेक लिया था, बिल्कुल यहाँ से इस रोड तक। सो द थिंग वॉज दैट इवन आई वॉन्टेड टू टेक दैट शॉर्ट कट, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं था, बट प्रॉब्लम मुझे क्या लग रही थी कि फिर द एंड ऑफ द यू नो दैट ट्रेल जहाँ पे वो मिलती है इस रोड के साथ, इन केस अगर पीछे से कोई हैवी व्हीकल आ रहा हुआ और मैं पीछे से आ रहा हुआ काफ़ी स्पीड से, बिकॉज ये सारी की सारी मोमेंटम की बात होती है, मोमेंटम से आप आ रहे हो और वो ब्रेक मारनी पड़ जाए और इतने हैवी यू नो बाइक के साथ, नॉट एक्चुअली अब हैवी बाइक के साथ बट इतने लगेज के साथ प्रॉब्लम आ जाती है, आ सकती है। सो अभी तो खैर कोई नहीं था हैवी व्हीकल, सो कर सकता था मैं, बट क्यों रिस्क लेना। मैं हमेशा भूल जाता हूँ कि व्लॉगिंग वाइल्ड राइडिंग मेरे को वाइजर शट डाउन करके करनी चाहिए, बिकॉज इससे पहले वाले व्लॉग्स के अंदर काफ़ी विंड का ब्लो आ जाता है वॉइस के अंदर, बिकॉज माइक बिल्कुल यहाँ लगा हुआ है यहाँ ऊपर हेलमेट के यहाँ। सो पैंग 24 किलोमीटर्स रह गया है, एक शॉर्टकट। ये शॉर्टकट लिया है मैंने, वो पूरे का पूरे रास्ते को काट दिया इसने, थोड़ा सा मेरे को बेटर लग रहा था इस सामान के साथ आसानी से हो सकता था, सो मैंने कर लिया। चक दे फट्टे नप दे किल्ली काजा तो पाग साहब, खतरनाक डेड वैली भाई गॉड, बड़ा ही खतरनाक रास्ता है ये, देखो ऊपर खाला पत्थर कभी टूट के नीचे आ जाए, लेंटर लग जाएंगे बंदे के। बहुत धीरे धीरे जाना है यहाँ से, बहुत धीरे धीरे, तो कच्ची मिट्टी वाला रास्ता है तो सड़क नीचे बट ऊपर कच्ची मिट्टी है, स्लिप मारती है बहुत ज़्यादा। सो साइड से आगे आ गया, आगे काम चल रहा है जेसीबी का,
रास्ता साफ हो रहा है। थैंक यू फॉर गाइस, फॉर बी आर गाइस, फॉर क्लीनिंग दी आर बेस आर पैथ। ऑलमोस्ट पैंग आ ही गया है तो मैं आगे कैंप से आगे ही निकलूँगा। 15,280 किलोमीटर बॉर्डर रोड, वेलकम टू पैंग, अल्टीट्यूड 15,000। तो मैं तांगलांगला की तरफ जा रहा हूँ। It looks like that I am on the top. There is nothing else. बहुत तेज हवा चल रही है भाई साहब, धक्का मार रही है मेरे को उस तरफ को। पूरी हवा यूं चल रही है, फुल मैं यूं को यूं जा रहा हूँ। ओह माय गॉड, 90 की स्पीड पे चल रहा है और बाइक मेरी यूं जा रही है। तांगलांगला पहुंच गया हूं और यहां से बस अब मैं रूम से के लिए निकलूंगा एंड देन आज का स्टे वहीं होगा रूम से। हालत देखो, मिट्टी मिट्टी मिट्टी, इतना बुरा हाल था रास्ते में कह नहीं सकता, बट अब यहां से निकलते हैं, रूम से स्टे करेंगे एंड फिर आपको अपडेट देता हूं मैं। हाय गाइस, थोड़ा अंधेरा हो चुका है सो आज की अपडेट दे दूँ मैं। आज हम स्टे कर रहा हूँ रुमसे में, एक होम स्टे लिया है यहाँ पर, मुझे किसी ने रेकमेंड किया था। और सुबह मनाली से चला जब मैं 7 बजे, तो ऐसा लग रहा था कि शायद पांग ही मेरा डेस्टिनेशन होगी, बट बाइक ने अमेजिंगली परफॉर्म किया। मतलब मैं बता नहीं सकता, मतलब भगाता हुआ आया मैं। ऑल दो सारे रास्ते मेरे को पीछे से, जब मैं हम लोग काजा से स्टार्ट किया तो इतनी ऑफ रोडिंग कर ली, इतना लैंडस्केप देख लिया, तो ये एक तरह का मुझे सिमिलर ही लग रहा था। जो चीज़ें मुझे एक्सप्लोर करनी हैं वो ले के बाद वाली हैं, जैसे कि पैंगलोंग और आज फर्दर देन दैट। तो लेट्स सी, अभी तो फ़िलहाल मैं आज रुमसे में रुकूँगा, कल मैं ले के लिए मूव करूँगा और 2-3 दिन ले में लगाऊंगा ताकि बॉडी अडाप्ट हो जाए क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। सो दैट्स इट, मुझे आपको अपडेट देनी थी, बता दूं। और आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करता हूं एंड आई होप आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ फीडबैक दीजिए हाउ आई कैन इम्प्रूव इट मोर। अनटिल देन प्लीज़ like it, subscribe it and share it. Until then, take care yourself and be happy. Bye.